चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज है ट्यूसडे एंड जुलाई 21st और आपको लग ही रहा है कि सुबह हो चुका है क्योंकि हमारा कौवा महाराज जाग गया है। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है सैटरडे। मैंने रेडी कर ली है मेरे पौधों के लिए खाना। अभी मैं उन लोगों के लिए जाऊंगी ये थोड़ी बहुत सर्व करने के लिए, क्योंकि ना मेरा जो चाइनीज रोज बोलते हैं, इधर पे जसवंत बोलते हैं, वो फ्लावर जो पौधा था ना, इतना ज्यादा बरसात में फ्लावर देता था ना कि पूछिए मत, पूरा एकदम रेड रेड हो जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ पता नहीं, उसको थोड़ा उसका भी एज हो गया, 4 साल हो गया, 3 साल हो गया उसका उम्र, तो 4 साल में गिरा है वो। तो उसको मैं आज तो मतलब हम लोग ऑर्गेनिक तो देते थे, लेकिन आई थिंक उसमें ना थोड़ा कम हो रहा है, तो ये थोड़ा मंगाए है, तो देखते हैं क्या मतलब रिजल्ट मिलता है। चलिए उन लोगों को पहले आज खाना दे देती हूँ, उसके बाद हम लोगों का खाना प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। यहाँ पे मैंने ले लिया है मेरा पौधों का खाना और सूप का चम्मच भी रेडी है, तो पौधा सूप 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 करके खा ले यही तमन्ना करती हूँ। ये देखिए हम लोग ऐसे मिक्सचर बोलते हैं ना, मिक्सचर वगैरह क्या बोलते हैं जो खाते हैं ना, पर्सन बोलते हैं इधर, ऐसा ट्रैप बिछाए हुए है कि वो जो मूषक राज घुसे हैं वो कम वो मूषक राज घुसा है। अभी अभी वो हम लोगों के आंखों के सामने गया है। वो थोड़ा हिलाओ ना, उधर से जाओ, ब्लॉक करो। अरे वो एसी के पीछे है। आज भी मेरा नसीब खराब है। ये पीछे लॉक कर दी। वो एक्चुअली हम लोग के इधर एसी और कूलर, ये पोर्टेबल एसी है, इसके पीछे जाके बैठा है। अभी कपड़ा भी इधर मम्मी मतलब बरसात है तो सूखता नहीं है, देखते हैं क्या होता है। ब्लॉग बनाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया था 2 दिन, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी और बिजी होने का रीज़न आप लोगों के आँखों के सामने है। मैंने बनाई है एक दीदी के ऑर्डर पे कुछ राखी, 5 राखी, तो उनको भी वक्त पे मुझे डिलीवर करना था, जैसा 3 अगस्त को है राखी। ये जितना आपने देखा ये था सैटरडे का ब्लॉग। और राखी वाखी बनाने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, और ग्लू ग्लू लगने के बाद हाथ का हालत भी बहुत बुरा होता है, जैसे आप लोगों को मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ ग्लू लगने से कैसा होता है हाथ। तो राखी तो हो गया कंप्लीट, मैंने डिलीवर भी कर दिया बहुत अच्छे से, और जिनको मैंने राखी दिया है वो बहुत खुश है। ये राखी का मतलब क्या पता, खुजली हो रहा है नोज में, खुजली कर लेती हूँ। तो राखी जो था ना, तो मैंने एक राखी वाली ब्लॉग बनाई थी कि सिंपल होममेड राखी, तो वो राखी मैंने बना दिया। तो वो राखी देख के मेरी एक नेवर दीदी है जिनको बहुत पसंद आया, उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरे को राखी बना दो, क्योंकि उनको भेजना है बंगाल, शायद पता नहीं, प्रे करती हूँ कि वो भेज पाए बंगाल 3 अगस्त के पहले। तो मैं दीदी के लिए राखी बनाई और थोड़ा सा एक क्लिपिंग आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर कर दिया। अगर आप लोगों को मेरा राखी बनाना अच्छा लगता है
तो मेरे एरिया में जो लोग रहते हो, नेक्स्ट ईयर मुझे पहले ही ऑर्डर देना चालू करो। तो इस बार तो लॉकडाउन था, मैं उतना अच्छा चीज़ कुछ परचेस करके बना नहीं पाई, लेकिन मैं वादा करती हूँ अगर आप लोग मुझे पहले से कांटेक्ट करोगे तो मैं आप लोगों के लिए राखी बना के रिजनेबल रेट पे आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। तो ध्यान रखिए, बहुत सारे चीज़ जो मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट का रहता है ना बच्चे लोग का, तो मैं वो भी करती हूँ। इतना दिन तो फ्री ऑफ कॉस्ट करती थी, लेकिन अभी मैंने बहुत किसी का ऐसा मतलब वो हुआ कि नहीं, एक फ्री ऑफ कॉस्ट मत करो, तुम्हारा भी मेहनत जाता है, तुम्हारा भी समय जाता है। तो अगर आप लोग मुझ पे भरोसा रखते हो, मेरा नियर बाई कोई नेबर, तो आप लोग मुझे दे सकते हो। मैं अपना मेटेरियल कॉस्ट के साथ बहुत कम प्राइस जोड़ के मैं आप लोगों का जो आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ रहेगा अगर मन है तो मैं आप लोगों को बना के दे दूंगी, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अभी नहीं रखूंगी, क्योंकि सच्ची में मेरा तो मेहनत थोड़ा जाता है ना। अगर इस नोट पे आप लोगों को कुछ बोलना है तो आप प्लीज कृपया मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कुछ लेना चाहिए या कुछ कॉस्ट नहीं लेना चाहिए? ठीक है, पक्का कमेंट्स करिएगा। चलिए देख लेते हैं आगे आगे आज मैंने क्या लोड किया। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है सोमवार, पता नहीं जॉयदीप का ब्लॉग आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जॉयदीप गया है ऑफिस। और मेरे घर का हालत देखो, इधर सब लेटी वेटी हुई है, इधर बच्चे लोग फेस दिखाओगे थोड़ा, ब्लॉगिंग का शूटिंग कर रही हूँ। हेलो, ये मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रही हूँ और याद कर रही हूँ डांस, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम है। मैंने एक वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया था, और 2 दिन से मेरे घर में, 2 दिन हाँ लमसम 2 दिन से मेरे घर में थोड़े दो छोटा किड्स था, इसके लिए मुझे ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिला। अभी फ़िलहाल थोड़ी बहुत मुझे टाइम मिली है, अभी रात को बज चुका है 9:30। तो आज का ब्लॉग ऐसे ही मैं शूट कर रही हूँ, पता नहीं पब्लिश हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि क्योंकि आज मैं खुश हूँ, वो रीज़न मैं बाद में बताऊँगी। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल कर रही हूँ पढ़ाई, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन से लेके आज तक मैंने जितना भी सीखा है डांस, वो तो मतलब अपना गुरु का आशीर्वाद है, और मुझे बहुत अच्छा अच्छा मार्क्स मिलता गया, डिस्टिंक्शन मिलता गया। तो मैं कोशिश करूँगी, मुझे 5th ईयर भी बहुत ग्रेसफुली मैं कंप्लीट करूँ, विशारद मैं कंप्लीट करूँ। प्लीज़ गाइस, आप लोग मुझे जो मुझे लाइक करते हो, प्लीज़ मेरे लिए प्रे करो कि संडे मेरा एग्ज़ाम है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए। अभी मैं आज मम्मी नहीं है, तो घर का काम भी मुझे थोड़ा टफ है, घर का काम भी मुझे पूरा 100% करना पड़ेगा। और लाइक अभी मैं चावल चढ़ा के आई, आज 9 रोटी, मंगलवार है, ऑटोमेटिकली वेज खाना है। लेकिन आप लोगों के साथ चिटचट करने का टाइम भी मुझे नहीं मिला, और जितना है मैंने किया था सब कुछ मैं इस ब्लॉग में भी डाल दिया, ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया। तो आज के लिए इतना ही, मैं कोशिश करूँगी कल सुबह से सब मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि कल सुबह से मैं पूरा जैसे मतलब डेली रूटीन में 3 महीने पहले से थी, वैसे ही मैं मतलब आ जाऊँगी। तो हो सके तो मैं कर पाऊँगी, उसके साथ डांस को भी मैं काम करूँगी, डांस के ऊपर भी। आज की बारिश अच्छी, अब्रश हुआ है, आंटी के खूब लाइक करवा, सब्सक्राइब करवा, कमेंट भी करवा, इधर देखिए आंटी के खूब हेल्प हो गए, थैंक यू। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो, इसका मतलब है अब मैं अभी घर जा रही हूँ, इसलिए अब आंटी का ख्याल रखिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सब लोगों को बहुत मिस करूँगी और आंटी मुझसे बहुत हेल्प मिलेगा, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, लव यू ऑल।